अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। माइनॉरिटी के तमाम लीडर्स आज यहाँ जमा हुए थे एक ख़ास फिक्र लेकर। आइए जानते हैं, यहाँ पर रिजवान अरशद शिवाजी नगर MLA हमारे साथ मौजूद हैं कि मीटिंग में क्या तय पाया, किस ताल्लुक़ से मीटिंग की गई थी, बताइए सर। देखिए, आज सारे सियासी कायदीन, डॉक्टर्स, उलमा इकराम और गवर्नमेंट में माइनॉरिटी ऑफिसर सारे हम लोग इकट्ठा हुए, जमा हुए। आज जो हालात चल रहे हैं, क्यों परेशानी हमारे सामने है, जो मुसीबत हमें सामना करना पड़ रहा है, इस सब पर हमने चर्चा किया है, इस पर गुफ्तगू की है। और लोग आज जिस परेशानी से, जिस बीमारी से, जिस वबा से लोग जो परेशान हैं, उनकी मदद कैसे की जाए, हुकूमत क्या कर रही है और कहाँ हुकूमत इसमें फेल हो गई है, कहाँ हम हमारे लोगों को मदद कर सकते हैं, तो इस बात पर हमने पूरी गुफ्तगू की है, चर्चा किया है और चंद इस पर अकदामात उठाने के लिए चंद फैसले हमने किए हैं। और उसमें से सबसे बड़ा फैसला है कि चंद डॉक्टर्स ताहा मतीन साहब की क़यादत में सामने आए कि कोविड ऑक्सीजन सेंटर बनाया जाएगा। तो पहले तो हम यहाँ पे कोविड ऑक्सीजन सेंटर बनाएंगे, उसके बाद एक टेस्टिंग लैब बनाने की बात की गई है, ब्लड बैंक सेटअप करने की बात की गई है, और जो पेशेंट्स जो इमरजेंसी जिनको ऑक्सीजन चाहिए, जो परेशान हैं, उनको सब इस कोविड ऑक्सीजन सेंटर में इमीडिएट रिलीफ देने की। कोविड ऑक्सीजन सेंटर यानी सिर्फ कोविड से मुतासिर पेशेंट्स रहेंगे या तमाम पेशेंट्स के लिए वहाँ ऑक्सीजन दिया जाएगा? कोविड में जनरली क्या होता है, अमूमन क्या होता है कि सांस की तकलीफ हो जाती है, ग्लूकोस इसका सांस का लेवल गिर जाता है। तो आदमी जब तक उसको आप ऑक्सीजन सिलेंडर के ज़रिए सैचुरेशन कम हो जाता है, उसको आप ये नहीं देते, ऑक्सीजन नहीं देते, तो सांस ठीक तरीके से नहीं ले सकता, और सांस अगर ठीक से नहीं लिया तो वो ज़िंदा नहीं बच पाता। तो कहीं हॉस्पिटल सब उसको एडमिट करने से पहले उसको स्टेबल तो करना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल उसको अंदर लेने के लिए 2 घंटे 4 घंटे एक दिन दो दिन करे, तो बिना सांस के वो आदमी बचेगा कैसे? तो कहीं एक सेंटर तो होना चाहिए कि हम उसको लेके आके पहले उसको ऑक्सीजन दें, उसको स्टेबल करें, बाद में पॉजिटिव है तो फिर उसको पॉजिटिव हॉस्पिटल भेजें, नेगेटिव है तो कोई नेगेटिव हॉस्पिटल भेजें। तो उस तरीके का एक सेंटर बनाने के लिए भी, ये भी एक फील्ड हॉस्पिटल ही है, वो डॉक्टर्स ही मॉनिटर करेंगे, पैरामेडिक स्टाफ ही मॉनिटर करेगा, तो इसको टेम्प्रोरी तौर पर बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। वो आज फैसला लिया गया है कि सब लोग मिलकर इस हॉस्पिटल का क़याम करेंगे, वक्फ से इसकी मदद लेंगे। अब हारिस भाई ने भी मदद करने की उन्होंने भी ऐलान किया है, हम सब भी अपने अपने तौर पर जो करना है मदद सब करेंगे, और एक अच्छा कोविड ऑक्सीजन सेंटर अभी शुरू करने के लिए। जो लोग इस वक्त इस हालात में जो परेशान लोग थे, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला जा रहा है, कि वहाँ पर उन्हें एक बहुत अजीब और गरीब सवाल किया जाता है कि कोविड का अगर आपके पास टेस्ट है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन का सिचुएशन है, इन हालात में वो लोग यहाँ आकर ऑक्सीजन ले सकते हैं? बिल्कुल, अगले मेरे ख्याल से 10-12 दिन में ये सेटअप होगा, उसके बाद ये लोग यहाँ पे, उनको पूछा नहीं जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, यहाँ पे पहले उनको ऑक्सीजन देकर स्टेबल कर उनको स्टेबलाइज करने के बाद जान उनकी थोड़ा महफूज करा कर फिर उनका टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके ऊपर फैसला किया जाएगा। और मेडिकल टास्क फोर्स की तरफ से हमारे शाहुल हमीद साहब और उनके सारे साथियाँ सब मिलकर हर मस्जिद में एक ऑक्सीमीटर और एक थर्मल इंफ्रारेड टेम्परेचर थर्मामीटर और टेम्परेचर चेक करने वाले जो इक्विपमेंट है, वो हर मस्जिद में भेजा जाएगा। वहाँ पे ऑक्सीमीटर के ज़रिए किसी का भी अगर ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन लेवल कम हो रहा है, तो उसको आप देख सकते हैं, तो और फिर ऑक्सीजन सेंटर पे लाकर उनको स्टेबलाइज किया जा सकता है। एक बहुत अच्छी बात है ये, कि क्योंकि अक्सर लोगों को ये एहसास नहीं होता कि उनकी सांसें का जो है कम हो रहा है, अगर इस तरह का टेस्ट मस्जिद के ज़रिए किया जा रहा है, तो जो भी लोग मस्जिद आ रहे हैं उन्हें जब तक ये एहसास हो कि 80 के नीचे जहाँ तक गिरता है तो ख़तरे की घंटी रहती है, अगर 90 से नीचे आ रहा है तब तक वो खुद इंसान को पता नहीं चलता जब तक कि उसे किसी आला से उसका टेस्ट नहीं लिया जाता। ये मस्जिद में अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
जी इसको फराहम किया जाएगा, उसके बाद वो लोग वहाँ से, लेकिन उससे ज़्यादा एक डॉक्टर के पास जाना मुफीद है, उससे ज़्यादा एक ऑक्सीजन सेंटर में जाकर उनको ऑक्सीजन लेना मुफीद है। तो अब ये हालात में जितने नाजुक हालात हैं, इसमें हम सबको आगे बढ़कर हमारे कोशिशें हमें करनी है। इसके ऊपर मुझे उम्मीद है ऊपर वाले से कि ये सारी चीज़ें ये आसान करेगा।